इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सवाल कांग्रेस ने आज खड़ा किया, किस तरह से इसे गंभीर मुद्दा पार्टी मानती है? निश्चित तौर पर ये गंभीर मुद्दा है और पूरी ये पूरे प्रकरण में जवाबदारी प्रधानमंत्री पर आती है, भारत सरकार पे आती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विरोध के बावजूद भी, इलेक्शन कमीशन के विरोध के बावजूद भी उन्होंने ताबड़तोड़ इस योजना को लागू किया और इसके मुख्य बेनिफिशियरी भारतीय जनता पार्टी है। और उसके बावजूद भी जो उनको जानकारी देनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन को, उसकी जानकारी भी उन्होंने नहीं दी है। तो साफ तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका निकाला है प्रधानमंत्री जी ने, इसके लिए उनकी जवाबदारी उन पर बनती है और उन्हें स्वयं उसका उत्तर देना चाहिए। पार्टी क्या मांग करेगी? चर्चा होगी, जांच होगी, क्या? हम तो कहते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री को पहले अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और उसके बाद इसकी जांच होना चाहिए। पार्लियामेंट्री कमेटी बैठे, उसमें जांच करें।